हाँ तो यार कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। और देखो इस वीडियो में बात करने वाले एक नए ट्रेलर के बारे में जो फाइनली आउट हो गया। हाँ भाई, राम पोतनैनी की अगली मूवी, एक तरीके से पैन इंडिया मूवी सकंडा का ट्रेलर आउट हो गया है और इसी करेंगे रिएक्शन पर इस इंट्रो के बाद। तो स्टार्ट कर ले अगर ट्रेलर के खास तौर पे प्लॉट से, तो देखो यार प्लॉट में कुछ अलग देखने को नहीं मिला, कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला कि जिसके बारे में बोल दें कि हाँ भाई कि बिल्कुल यार माइंड ब्लोइंग है। पर हाँ, जो एक्शन देखने को मिला वो पूरी तरीके से वायुपति सिन्हू जो डायरेक्टर हैं उनके अंदाज में था। और भाई उसमें देखो कुछ फैन फॉलोइंग है जो उस एक्शन को इंजॉय करती है हिंदी डब में भी और ख़ास तौर पे तेलुगु सिनेमा में भी। और यही रीज़न था यार कि अखंडा जो मूवी आई थी वो अच्छे खासी हिट हुई थी। और सेम चीज़ यार यहाँ भी देखने को मिल रही है, जिस तरीके से जो मेन कैरेक्टर है उसको प्रेजेंट किया जा रहा है वो चीज़ यार लाजवाब है। देखो मैं लाजवाब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अलग तो नहीं है, पर हाँ उस पॉइंट को और उस कैरेक्टर को लोग इंजॉय करेंगे मेरे हिसाब से, जो फिलहाल ट्रेलर को भी देख के लगा। एक रूटीन प्लॉट के साथ है, एक आउट एंड आउट मास ड्रामा के साथ है या मास एक्शन के साथ में है, पर हाँ वो कैरेक्टर पक्का लोगों को भाएगा, गारंटी से भाएगा, क्योंकि अखंडा मूवी के साथ भी यही हुआ था और सेम चीज़ निकल के आ रही थी और लोगों ने उसको सपोर्ट किया था। और सेम फिलहाल तो इसको भी देख के यही लगा कि हाँ ये भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। वहीं बात आती है वीजीएम के बारे में, तो वो मेरे को डिसेंट लगा, ठीक था, काम चल जाएगा, पर ओके ओके बोलेंगे उसको, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही दिमाग हिला दे। मुझे एक्शन सीन और जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है मेन कैरेक्टर को, वो चीज़ मुझे खास तौर पे अच्छी लगी पूरे ट्रेलर में। और वही हाईलाइट भी लगी जिसको मैं बोलूँगा कि हाँ ठीक है भाई, वो अच्छा था और अच्छा था, चाहे उसको कोई कुछ भी बोले, क्रिटिसाइज करे, अच्छा बोले, मुझे फिलहाल वो पसंद आया। तो देखो अगर ट्रेलर के बारे में ओवरऑल बोलना हो तो मुझे यार जो मेन कैरेक्टर है ट्रेलर का वो मुझे पसंद आया, क्योंकि उसको फिलहाल जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है एक मासेस टाइप में, वो चीज़ यार अच्छी लगी और मैंने इन्जॉय किया। बाकी आने वाले टाइम में देखेंगे कि मूवी कितनी सरप्राइज करती है, कितनी पसंद आती है या कितनी क्रिंज निकलती है, वो आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मुझे ट्रेलर अच्छा लगा, बीजीएम डिसेंट लगा और बाकी सब चीज़ यार वायुपति सिन्हू के अंदाज में थी। और हाँ, श्री लीला को कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं गया और बाकी सब कैरेक्टर को भी ज़्यादा दिखाया नहीं गया, तो इसी वजह से उनके बारे में बात नहीं किया। तो ये मत कहना कि रिएक्शन छोटा है, तो इसी वजह से ज़्यादा ट्रेलर लंबा भी नहीं था, मुश्किल से 2 मिनट का ट्रेलर है, तो क्या बात करें। और राम पोतनैनी की तरफ से कुछ अलग देखने को नहीं मिला ये भी बोलेंगे, तो नॉल टाइम में देखते हैं बाकी यहाँ से क्या निकलता है, क्या अच्छा था आता है, क्या बुरा आता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जल्दी मिलते हैं एक नए रिएक्शन या रिव्यू के साथ में।